राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2023 के अपने आखिरी ग्रुप मुकाबले में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी हैं। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 187 रन बनाए थे, लेकिन राजस्थान ने 2 गेंद शेष रहते 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही राजस्थान की टीम 14 मैचों में 14 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर है, जबकि पंजाब खिताब की दौड़ से बाहर हो गई है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के भी 14 पॉइंट्स है, लेकिन दोनों के एक एक मुकाबले बचे हैं। गुजरात की टीम पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, वहीं हैदराबाद, दिल्ली और पंजाब का सफर खत्म हो चुका है। केकेआर भले ही रेस से बाहर है, लेकिन उसका नेट रन रेट माइनस में है और इसी वजह से प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हो चुकी है। आईपीएल 2023 में अब 4 ही ग्रुप मुकाबले बचे हैं। आज दिन के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर देखने को मिलेगी, वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने केकेआर की चुनौती होगी। रविवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बाद आरसीबी और गुजरात की टक्कर देखने को मिलेगी। चेन्नई और लखनऊ को अपने अपने मुकाबलों में जीत मिलती है तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी, लेकिन उन्हें भी नेट रन रेट की चिंता है। जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा वो नंबर 2 पर रहेगी और प्लेऑफ में पहुंचने के 2 मौके मिलेंगे। अगर दोनों टीमें हार जाती है तो उन्हें उम्मीद करना होगा कि मुंबई और आरसीबी भी हार जाए, ऐसे में भी दोनों प्लेऑफ में पहुंच जाएंगी। अगर मुंबई और आरसीबी अपने अपने मुकाबले जीत जाती है तो लखनऊ और चेन्नई में से हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। 14 पॉइंट्स वाली टीमों में मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट सबसे खराब है, उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हैदराबाद को किसी भी कीमत पर हराना होगा। इसके साथ ही उम्मीद करना होगा कि लखनऊ, चेन्नई और आरसीबी में से कोई भी टीम अपना मुकाबला हार जाए, ऐसे में मुंबई को प्लेऑफ में जगह मिल जाएगी। आरसीबी ने 2 मैच पहले राजस्थान रॉयल्स को 100+ रनों से हराया था, जिससे उनका नेट रन रेट काफी बेहतर हो गया है। लखनऊ, चेन्नई और मुंबई अपने अपने मुकाबले जीत भी जाते हैं तो आरसीबी गुजरात को हराकर प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, ऐसे में मुंबई इंडियंस को बाहर होना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने पर चेन्नई और लखनऊ के मुकाबले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट्स राजस्थान से ज्यादा है। राजस्थान को मतलब मुंबई और आरसीबी से है, मुंबई इंडियंस से उसका नेट रन रेट काफी बेहतर है। ऐसे में राजस्थान उम्मीद करेगा कि मुंबई हैदराबाद के खिलाफ अपना मैच हार जाए, वहां अंतर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आरसीबी का नेट रन रेट उनसे बेहतर है। ऐसे में राजस्थान को ये भी उम्मीद करना होगा कि आरसीबी कम से कम 6 रन या 4 गेंद रहते गुजरात से हार जाए। ऐसा होता है तो चेन्नई और लखनऊ के साथ राजस्थान को प्लेऑफ में जगह मिल जाएगा, गुजरात वहां पहले से ही विराजमान है। दोस्तों, क्या लगता है कौन सी बाकी 3 टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जाएंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।